अहमदाबाद ने खरी खोटी सुनाई है। सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को ट्विटर के माध्यम से कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डम्बो किड है। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो बहुत ही छोटी सी उम्र में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए लड़ते हुए नजर आई थी। अब उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है यानी कि हमारे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है और जिस प्रकार से किसान रोड पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, उस बारे में अब ना सिर्फ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं पर इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, जैसे कि रिहाना है। रिहाना ने खुद अपना जो एक्सटेंड किया है अपना सपोर्ट सारे के सारे किसानों के तरफ, और वहीं पर कंगना रनावत जो है वो उनको भी एक प्रकार से खरी खोटी सुनाते हुए नजर आई। और अब जब ग्रेटा थनबर्ग ने अपना सपोर्ट आगे बढ़ाया है किसानों के तरफ, तो उनको भी यही कहा है हमारी कंगना रनावत ने कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डम्बो किड है और वो हमारे देश का नाम जो है वो मिट्टी में मिलाना चाहती है और हमारे देश को एक प्रकार से मानहानि करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कंगना रनावत ने यह भी लिखा है कि इस डम्बो किड ने अब जाकर के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ग्लोबल लेवल के डॉक्यूमेंट्स है, वो सिर्फ बाकी देशों को हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तुम्हारा प्रेसिडेंट भी पप्पू है, तुम भी पप्पू हो और हमारे देश में तो एक पप्पू ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से कंगना रनावत ने बहुत सी खरी खोटी बातें सुनाई है अब इंटरनेशनल स्टार्स को, इंटरनेशनल फिगर्स को। तो दोस्तों आपको क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि कंगना रनावत की ये सारी जो बातें हैं क्या वो सही है, या फिर कंगना रनावत को ऐसी बातें करना अब बंद कर देना चाहिए? क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।